मरणोपरांत परमवीर चक्र मिला। जब वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार लगातार हाथ में हैंड ग्रेनेड लिए पाकिस्तानियों पर चढ़ गया, सर में गोली खाई और शहीद हुए। किसके लिए? हिंदुस्तान के लिए। 1965 राजपूतों को फिर महावीर चक्र मिला जब मेजर वलजीत सिंह रंधावा ने पाकिस्तानियों को ब्लैक रॉक से खदेड़ा और 17 मई को शहादत दी। कैप्टन रणवीर सिंह और सिपाही बुद्ध सिंह दोनों को वीर चक्र मिला और जो पोस्ट उन्होंने अपनी जान देकर जीती वो हमारी सरकार ने पाकिस्तान को गुडविल दिखाने में वापस कर दी। कश्मीर में आज भी राजपूताना राइफल्स का एक एक सिपाही अपनी वफादारी निभा रहा है। हवलदार रणवीर सिंह एक इंच अपने पोस्ट से नहीं हिला जबकि उसका पूरा सेक्शन साफ हो गया था। आज भी उनके लिए रेजिमेंटल ऑनर से बड़ा और कुछ नहीं। सैनिकों की पांचवी पुश्ते आज भी वहां मौजूद है और वो सैनिक अपने राजपूत भाई से पूछते हैं तू किसके लिए मरेगा? राजपूत कहता है अपने पलटन के लिए। पलटन किसकी? राजपूताना की। राजपूताना किसका? भारत का। और ये भारत क्या करेगा तुम्हारे लिए? जब से ये प्रजातंत्र आया है ना हमारे साथ सिर्फ धोखा हुआ है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमसे अपील की थी इधर वन इंडिया एक भारत के लिए अपने राज्य त्याग दो, हमने त्याग दिया। उन्होंने पैसे मांगे, हमने अपना खजाना खाली कर दिया। वन इंडिया एक भारत के लिए, कहां है ये एक भारत? डेमोक्रेसी के इतने साल बाद भी ये हाल है कि कोई वोट नहीं डालना चाहता, अपने घर की जमीन को अपना देश बनाकर बैठे हुए लोग। एक सरकार मेजोरिटी में नहीं आ पा रही। अरे हमारी परंपरा है ना हजारों सालों की थी और जब छीनी थी इन लोगों ने तब भी इनसे अच्छी थी। डेमोक्रेसी के नाम पर हमसे पावर छीनकर खुद वो कर रहे हैं जिसका आरोप इन लोगों ने हम पे लगाया था। फिर भी पटियाला रिपोर्ट में सिर्फ हमारी खामियां हमारी गलतियां लिखी गई थी और कुछ नहीं। अरे इनकी तो एक चीज नहीं है जो साफ है। आज भी लोग हमें क्यों बना उड़ाते हैं, बना इज्जत करते हैं? क्यों? क्योंकि हमने त्याग किया है हमारे लोगों के लिए। जोधपुर के महाराजा ने वल्लभ भाई के सेक्रेटरी के सर पे बंदूक रख के कहा था देख जोधपुर की मेरी प्रजा से गद्दारी मत करना। इन लोगों ने सबके साथ गद्दारी की। 67 के लोकसभा इलेक्शन में जब राजकुमार खड़े हुए चुनाव के लिए तब क्या हुआ? राजस्थान में कांग्रेस का पत्ता साफ। पूरे देश में 24 राजकुमारों को लोगों ने चुना। तब क्या किया इन लोगों ने? ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की एक बैठक बुलाई, हमारे शाही बत्ते बंद कर दिए, हमें दी जाने वाली एक एक सुविधा को हटा दिया गया। हमें इन लोगों के सामने झुकना पड़ा, हार माननी पड़ी। हम हार गए क्योंकि हजार साल के बाद भी हम आपस में लड़ रहे थे। अब ये सब खत्म, बस। अगर हमें अपनी जमीन चाहिए तो एक होना पड़ेगा। राजपूतों को इनसे बचाने के लिए एक होना पड़ेगा। अ पेट्रियट मस्ट ऑलवेज बी रेडी टू डिफेंड दिस कंट्री अगेंस्ट इट्स गवर्नमेंट। जंग छेड़नी है हमें, आजादी की जंग, अपनी जमीन की जंग। और उसके लिए हमें पैसे चाहिए, सेना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको अपना खून बहाना पड़ेगा। जो आप अपना खून बहाने के लिए तैयार नहीं है तो सपना देखना बंद करो, ये साकार नहीं होगा। हमारी जमीन, हमारी इज्जत, हमारी आन हम वापस नहीं ला पाएंगे। और अगर आप एक होने के लिए तैयार हैं, अपना खून बहाने के लिए तैयार हैं, तो एक साथ एक आवाज में बोलिए वीर भोगे वसुंधरा, वीर भोगे वसुंधरा। हमारे पास सिर्फ 92 करोड़ की पूंजी है, सेना की गिनती है 1126। वाह, इससे बवंडर तो क्या हवा तक पैदा नहीं कर पाएंगे हम लोग। ऐसे चलता रहा तो गंतव्य तक पहुंचने में 10 साल लग जाएंगे। तब तक हमारी क्रांति दबी रहेगी जमीन में, सुसेफ सुरक्षित। और यहां करणगढ़ के राजा अपने बेटे को
विलायत भेज रहे हैं पढ़ने के लिए. जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच अ पोजड़ी का. ऊपर से हल्ला बोल खर्चा भी कर रहे हैं. अरे भाई, अगर आप अपने बेटों को, अपने पोतों को इस क्रांति में शामिल नहीं करोगे तो क्या क्रांतिकारी मैं कश्मीर से उधार ले आऊं? अपने अपने चूतरों पे टिके रहने से क्रांति नहीं आएगी. यहां इकट्ठा होने से क्रांति नहीं आएगी. क्रांति चाहिए ना तो चेहरे पर गुलाल नहीं, खून की लाली मलनी पड़ेगी, अपने खजाने खाली करने पड़ेंगे. असली क्रांति चाहिए तो ये लाल रंग हटाकर असली चेहरे लेकर सामने आओ, वरना बंद करो ये ढोंग. जय राजपूताना.